तरह नहीं है, तो ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी बॉडी की थोड़ी सी खुल जाए अच्छे तरीके से। ठीक है जी, राइट नी के साथ लेफ्ट फुट को लगा रहे, ओके हो गया। लेफ्ट साइड पे जाके राइट हैंड को जमीन के साथ रखना है, यू इस तरह मिला के आप इन दोनों हाथों को जमीन के साथ रखें। हाँ जी सर, बाजू सीधे रखते हुए अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक पोजीशन में आ गए, जमीन के साथ रखें जी। रफी को सीधा रखते हुए सिंपल आपने जाके शोल्डर को घुटने के साथ टच करना है, अप डाउन करना, एंड पे हमारा स्टे होगा। ठीक है जी, बाजू सीधे रहेंगे और यूं देखें मैं नीचे गया, जाके शोल्डर को घुटने के साथ टच किया, फिर अप। ठीक है जी, अप डाउन के बाद एंड पे हमारा होगा स्टे। पीछे से पांव को देखें, पीछे से बॉडी को देखें, स्टार्ट करते हैं। वन, सिर सब ऐसे नहीं, टू थ्री फोर, वेरी गुड अभ्यास, फाइव वन फोर एंड फाइव, वापस साइड चेंज करें। उसी तरह दूसरी साइड पर अपने राइट फुट को लेफ्ट नी के साथ टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को जमीन के साथ इस तरह लगाना कि हाथ की नीचे वाली साइड बैक साइड जमीन के साथ लगेगी, और हथेली आसमान की तरफ, दोनों हाथों को मिलाएं, बाजू सीधे रखें, लेफ्ट शोल्डर को राइट नी के साथ टच करेंगे। स्टार्ट कीजिए, वन फोर फाइव सिक्स सेवन और एट दिस स्टेज, वन टू थ्री फोर, वापस साइड चेंज करें, फिर सेम उसी दूसरी साइड कर लेंगे। अब हम अपनी बॉडी का सर्कल कैसे बनाएंगे के साथ लगाएंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों को बुलाएं और लेफ्ट हैंड को जाके लेफ्ट एल्बो को जमीन देखते हुए यहाँ सामने देखते हुए इसके, वन टू एल्बो लगाए इसके साथ घुटने के साथ, इस साइड पे और बॉडी ट्विस्ट करें और एल्बो को घुटने के साथ लगाए जी, गुड। थ्री सामने देखे, फोर अब आया आप इस जगह पे ट्विस्ट, एंड फाइव अप, गुड। ये वो एक्सरसाइज है जो हम रूटीन, अच्छा जी दूसरी साइड पे कराए। अब हम क्या करेंगे, राइट नी के साथ लेफ्ट एल्बो को लगाएंगे, दोनों हाथों को मिलाएंगे, दोनों एल्बो जमीन के साथ लगा लेंगे और सामने देखते हुए चेस्ट को अपने हाथों की तरफ लेके जाएंगे, फोर एंड फाइव अप, गुड। मैं आपको इस तरफ तो आप जरा सही तरीके समझने, आपने फिर करना है। ठीक है जी, एक तो फिर करेंगे सही तरीके से करेंगे, यहां ऐसे बैठे, राइट फुट को लेफ्ट नी के ऊपर रखा। ठीक है जी, समझना प्लीज, पहले समझना, दोनों हाथों को राइट फुट को लेफ्ट नी के ऊपर रखा है, दोनों हाथों को मैं कहां ले गया हूं, राइट साइड पर, और यहां से जाके दोनों को जमीन के साथ टच किया, और फिर मैंने अपनी कमर को मुकम्मल पीछे ट्विस्ट डाल दिया, ट्विस्ट करके जमीन के साथ किया, अप किया, फिर मैंने लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के नीचे से जमीन के साथ निकाला और लेफ्ट शोल्डर को जमीन के साथ टच किया। आप सब दोस्तों ने करना है,